काबवे लेड पॉइजनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे गाइस, काबवे लेड पॉइजनिंग। तो हाई लेवल ऑफ लेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, सीसा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सीसे की का उच्च स्तर जो है वो पाया गया है। काफी सारे बच्चे हैं जिनके ब्लड्स का सैंपल लिया गया था, जिनके खून का सैंपल लिया गया, जिसमें पाया गया कि हजारों की संख्या में बच्चे जो है उनकी बॉडी के अंदर लेड काफी ज्यादा है। और लेड ज्यादा होने का मतलब साफ साफ ये है कि बॉडी के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, स्पेशली ब्रेन को ये अफेक्ट करता है, किडनी को ये अफेक्ट करता है, मतलब इवन बॉडी में, मतलब जैसे बैलेंसिंग की जो प्रॉब्लम आती है ना, हम सीधे खड़े हो पाते हैं, राइट, तो ये सब प्रॉब्लम्स को खराब कर देता है ये, राइट, तो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज है वो डेवलप हो जाते हैं लेड के कारण। तो अभी इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जाम्बिया के अंदर काबवे माइन है, तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि काबवे कहां पर है, काबवे माइन, तो जाम्बिया आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर बच्चों के ब्लड सैंपल जब पाए गए तो उसके थ्रू जो है वो पता लगा कि बच्चों के अंदर लेड की जो लेवल है, जो स्तर जो है सीसे का, वो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। तो किस प्रकार से लेड जो है वो बच्चों को अफेक्ट करता है, तो न्यूरोटॉक्सिन है ये, न्यूरोटॉक्सिन जो कि बच्चों के ब्रेन को हार्म करने के लिए केपेबल है। पर्टिकुलरली जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम की हम लोग को देखने को मिलती है, उनके ब्रेन को डैमेज कर देता है डेवलप होने से पहले ही। और लाइफ लॉन्ग न्यूरोलॉजिकल, कॉग्निटिव और फिजिकल इंपेयरमेंट, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो इस इशू के कारण दिव्यांग तक बन सकता है, दिव्यांग हैंडीकैप तक बच्चा जो है वो बन सकता है, उसकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो सकती है इस लेड के कारण, राइट। तो काफी डेंजरस है लेड का एक्सपोजर, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मेंटल हेल्थ के साथ ये लिंक है, बिहेवियरियल प्रॉब्लम के साथ लिंक है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, राइट, क्राइम और वायलेंस रेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है इस चीज के कारण। जो बड़े बच्चे हम लोग को देखने को मिलते हैं ये सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है वो सफर करते हैं, राइट, बच्चे, मतलब जैसे ही बचपन में लेड की प्रॉब्लम आ गई, इनके इनका माइंड, ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हो पाया, माइंड जो है उसमें गड़बड़ी हम लोग को देखने को मिल गई, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब बड़े होंगे तो उनको काफी सारी और भी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ेंगी, जैसे कि किडनी डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट की डिसीज जो होती है तो उसका रिस्क जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इन सब चीजों के कारण एक कंट्री जो है जहां पर ये बच्चों में काफी ज्यादा लेड की समस्या होती है, उस कंट्री को ऑलमोस्ट $1 trillion जो है वो मतलब भार जो पड़ता है वो $1 trillion का भार पड़ता है उन कंट्री के ऊपर, राइट। जो फैक्टर्स हैं जो कि लेड पॉइजनिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि इनफॉर्मल और सब स्टैंडर्ड रिसाइकलिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी, काफी सारी बैटरीज हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें लेड हम लोग को नजर आता है, लेड एसिड्स हम लोग को नजर आता है, तो उसका इनफॉर्मल तरीके से, सब स्टैंडर्ड तरीके से उसकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं। लोगों को आपने बिठा दिया है बैटरी को मैनुअली तोड़ने के लिए बिना किसी प्रॉपर प्रोटेक्शन के, राइट, या प्रोटेक्टिव गियर के, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके कारण हवा में भी, एयर में भी जो है ये बैटरी से जो फ्यूम्स हम लोग को देखने को मिलती है कि निकलती है, तो हवा में भी जो है वो स्प्रेड हो जाती है, जिसके कारण और भी लोगों को जो है वो डैमेज करता है ये लेड, राइट। इसके अलावा जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बैटरीज हम लोग को देखने को मिल रही है, वो भी बढ़ेगी, ऑब्वियस ही बात है, बट बैटरी को प्रॉपर तरीके से उसकी रिसाइकलिंग को आप रेगुलेट नहीं कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका प्रॉपर बिल्डअप नहीं कर रहे हो, तो इसलिए ये लेड पॉइजनिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया वर्कर जो है वो डेंजरस कंडीशन में रहते हैं, इलीगल रिसाइकलिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, बैटरी को जो है वो ओपनली जो है वो तोड़ते हैं बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, स्मेल्टिंग जो होती है जब उसको जो है वो हमें देखने को मिलता है कि कई बार पिघलाया जाता है, तब उस समय हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है कि उससे वो जो धुआं टाइप का निकलता है वो हवा में जो है वो स्प्रेड हो जाता है, और उसके इनटेक के कारण इस पूरे एनवायरमेंट को और दूसरे लोगों को जो है वो डैमेज पहुंचता है। तो ये चीजें हैं। और आज की डेट में किस चीज की आवश्यकता है, तो कुछ एरियाज पर जो है वो काम करने की आवश्यकता है, कोऑर्डिनेटेड और कॉन्सर्टेड अप्रोच की जो है आवश्यकता है, जैसे कि प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करो और रिपोर्ट करो, राइट, ये लेड पॉइजनिंग को प्रिवेंट करो, कंट्रोल करो, राइट, और मैनेज करो, ट्रीटमेंट करो और उपाय जो है वो लेकर आओ, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करो, बिहेवियर चेंज जो है वो करो, कानून लेकर आओ, पॉलिसी लेकर आओ, ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर एक्शंस लो। तो ये सब करने की जो है वो आज की डेट में आवश्यकता है। लेड पॉइजनिंग जो है गाइस सबसे बड़ा खतरा जो है वो आज की डेट में बढ़ता जा रहा है, स्पेशली बच्चों की हेल्थ में। हालांकि इस पर और रिसर्च करने की जो है वो काफी ज्यादा आवश्यकता है, बट जितनी रिसर्च मिली उससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि बच्चों की जान को जो है, उनकी हेल्थ को जो है वो खतरा है लेड के हाई लेवल के कारण। और लेड जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेन, लिवर, किडनी, बोन्स, इन सबको जो है वो डैमेज करता है, दांतों में और बोन्स में ये स्टोर हो जाता है, राइट, एक पर्टिकुलर समय पर एक्यूमुलेट होता रहता है, स्टोर होता रहता है, जमता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। बोन के अंदर जो लेड होता है वो फिर बोन से ब्लड में जो है वो रिलीज हो जाता है, और ब्लड से प्रेगनेंसी के समय पर जब वो रिलीज होता है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो छोटा बच्चा जो होता है, फीटस जो होता है, तो उसी में ही ये स्प्रेड हो जाता है लेड जो है वो, मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी
की बॉडी में अगर लेड की संख्या जो है वो ज्यादा है, तो प्रेग्नेंट लेडी से बच्चे में, मतलब वो बच्चे का बर्थ भी नहीं हुआ है तब से ही उसकी बॉडी में लेड पॉइजनिंग जो है वो होना शुरू हो जाती है, वो जो कि सोचिए कितनी ज्यादा डेंजरस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया है लेड को कि 10 में से ये एक ऐसा केमिकल है जो कि मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, राइट, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम को और एक ग्लोबल अलायंस क्रिएट किया लेड पेंट को एलिमिनेट करने के लिए, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेड से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा इस प्रकार के टॉपिक जो होते हैं वो प्रीलिम्स में भी पूछ लिए जाते हैं और मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लेड का कितना खतरनाक है इसकी आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, राइट, क्लियर।